वर्ल्ड कप के बाद क्या विराट साल के अंत तक ले लेंगे संन्यास? साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे कोहली? BCCI में कौन है जब विराट कोहली को अब टीम इंडिया में नहीं देखना चाहता? कहा जा रहा है कि अजीत अगरकर के मुख्य चयनकर्ता का पद संभालने के बाद विराट साल के अंत तक T20 फॉर्मेट छोड़ देंगे। वे साल 2024 के अक्टूबर में अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे। लंबे अरसे से एक वर्ग रहा है जो विराट कोहली को T20 फॉर्मेट में पसंद नहीं करता। उनकी तरफ से बात आ रही है कि विराट खुद ही ODI विश्व कप के बाद T20 से संन्यास ले लेंगे या फिर कभी उन्हें इस टीम के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। विराट कोहली के लिए फॉर्म की बजाय उम्र का हवाला दिया जा रहा है। वह 35 वर्ष के हैं और ऐसे में उनके लिए तीनों फॉर्मेट खेल पाना संभव नहीं होगा। ऐसा कहकर वनडे विश्व कप से ठीक पहले विराट पर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वे भूल गए कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप की दिवाली इस किंग कोहली ने काली होने से बचाई थी। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया 20 ओवर में 160 रन का टारगेट चेज कर रही थी। 6.1 ओवर में सिर्फ 31 रन पर 4 विकेट खोकर भारत निश्चित हार की तरफ बढ़ रहा था। प्रेडिक्शन मीटर पाकिस्तान की जीत की संभावना 85% और हिंदुस्तान की जीत की उम्मीद सिर्फ 15% बता रहा था। यहां से विराट कोहली ने 53 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 82 रनों की नाबाद मास्टर क्लास पारी खेली थी। भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर टारगेट चेज कर लिया और समूचा हिंदुस्तान दिवाली के जश्न में डूब गया। ऐसी पारी इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ही खेल सकते हैं। T20 क्रिकेट के सारे बड़े नाम जिस मौके पर फ्लॉप हो जाते हैं वहां विराट कोहली अकेले डट जाते हैं और हिंदुस्तान को सबसे बड़ी जीत दिलाते हैं। इस बार वनडे वर्ल्ड कप में भारत का सामना पाकिस्तान से नवरात्र के पहले दिन होगा। उस वक्त भी सारा भारत भक्ति भाव में डूबा रहेगा। ऐसे में वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों का कहना है कि विराट कोहली अकेले ही पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ेंगे। वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि विराट कोहली टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएंगे। विराट ODI वर्ल्ड कप 2023 में सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वे आने वाले कुछ वर्षों में 100 शतकों के पार भी जाएंगे। 100 इंटरनेशनल शतकों के लिए जरूरी है कि विराट कोहली लगातार तीनों फॉर्मेट खेले। ये क्रिकेट को लेकर विराट का जुनून ही है कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में भी भारतीय टीम के साथ है। दुनिया के सबसे फिट एथलीट में शुमार विराट कोहली के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर के सिवा कुछ भी नहीं। विराट ने 115 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों की 108 पारियों में दुनिया में सबसे ज्यादा 4008 रन बनाए हैं। इस दौरान किंग के बल्ले से 52.73 की एवरेज के साथ एक शतक और 37 अर्धशतक आए हैं। किंग ने इस फॉर्मेट में भारत के लिए 356 चौके और 117 छक्के लगाए। जिस वक्त सारा हिंदुस्तान विराट कोहली से वनडे वर्ल्ड कप 2023 में धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है, उस वक्त उनके T20 फॉर्मेट छोड़ने की खबर फैलाना गलत है। भरोसा है कि फिटनेस और फॉर्म के दम पर विराट अगले 4 वर्षों तक तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के नंबर एक खिलाड़ी कायम रह पाएंगे, भारत को ICC ट्रॉफी जिताएंगे और 100 शतकों के पार जाएंगे। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।